मम्मी मैं जब मॉम्स को मूवी में ना लड्डू बनाते हुए देखता हूँ मुझे लगता है कितना क्लीशे है। मॉम्स को कभी कुछ और करते हुए क्यों नहीं दिखाते? लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, आप लोग सच्ची में बहुत लड्डू बनाते हो। कोई आ रहा है तो लड्डू बनाओ, कोई जा रहा है तो लड्डू बनाओ, आप कहीं जा रहे हो तो लड्डू बनाओ, आप कहीं Oh my God! बड़ी दादी के लिए दुनिया के बेस्ट लड्डू जा रहे हैं। घर के लिए भी ये डब्बा बना के रखा है, अकेले नहीं खाना, सबको खिलाना। Don't worry मम्मी, अब मैं वापस आ गया हूँ ना तो डांस से लेके लड्डूओं तक सब संभाल लूंगा। वो तो तू नहीं था तब भी संभला हुआ था, हमारे पास नंदिनी जो थी उसने मेरे और किंजल की बहुत मदद किया। इतनी मदद कोई अपना ही कर सकता है, और वैसे भी वो तो अब घर की ही हो गई है। वैसे भी अब नंदिनी तो घर की ही है। फर्स्ट टाइम मैं सुन लिया था मम्मी। अच्छा मम्मी को वो सब बताऊं? पर अभी मम्मी ऑलरेडी इतने इश्यूज से डील कर रही हैं, इतनी सीरियस बात नहीं बताता, अभी ब्रेकअप तक वाली ही बताऊंगा। अच्छा मम्मी, मैंने आपको अपनी वो फ्रेंड के बारे में बताया था ना, मुंबई वाली फ्रेंड पूजा। व्हाट अ गर्ल यार, उसके बाल इतने ज्यादा सिल्की थे, वाओ। सिल्की बाल? और पता है मम्मी, वो इंडियन कपड़े तो पहनती नहीं थी, सिर्फ शॉर्ट स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट। और वैसे भी इंडियन कपड़ों में ना लड़कियां बहनजी लगती है, और शॉर्ट और स्कर्ट्स में एकदम बहनजी टाइप्स। कैसी बातें कर रहा है तू समर? ओ वो पूजा, अरे हाँ, उससे तो तूने वीडियो कॉलिंग करवाई थी, उसने इतना अच्छा डांस भी करके दिखाया था, बहुत सुंदर है वो लड़की। पता है मैं उसे पू कह के बुलाता था और वो मुझे सामी कह के बुलाती थी। सामी, वो इसका नाम बिगाड़ती थी और इसको अच्छा लगता था। मम्मी मैं आपको पूजा से ना जरूर मिलवाऊंगा, और देखना वो आपकी फेवरेट हो जाएगी। वो मम्मी से मिलने क्यों आएगी? हाँ आंटी से मिलने वो यहाँ क्यों आएगी? हाँ वो यहाँ आएगी तो तुम्हारा नाम बिगाड़ देगी, समर की जगह सैम, सैमी, समू ये सब कहेगी। कभी सोचा आंटी को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना गुस्सा आएगा? और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि उसके बाल इतने सिल्की है? तुम क्या रोज उसके बालों में जाके शैम्पू क्या करते थे? मैं शैम्पू क्यों करूंगा, अरे उसने खुद ने बताया। वो कुछ भी बोलेगी और तुम मान लोगे? वाह। हाँ तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? बुरा? मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे तो बुरा लगता ही नहीं है। तुम जाओ उसके सिल्की बालों में तेल लगाओ, चंपी करो, चोटियां बांधो, कोम करो, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं आंटी से बात करने आई थी। हाँ तो करो। हाँ तो करूंगी, तुम जाओ यहाँ से तब करूंगी। सैमी बाय आंटी। पर नंदिनी थोड़ी देर तो बैठ जा। नहीं आंटी मैं थोड़ी टाइम बाद आती हूँ। बाय। क्यों सताता है उसे जमाल? अरे मम्मी सताया नहीं, थोड़ा सा जेलस फील करवाया, और आपने देखा वो जेलस फील करती है लेकिन कहती कुछ नहीं। कहेगी कहेगी, जरूर कहेगी। प्यार को ने धीमी आंच पे पकाना चाहिए, जल्दी 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 पकाने जाओ ने तो जल जाता है। अरे मम्मी प्यार है कोई खीर थोड़ी ना है। धीमी आंच पे पकाइए। चुप कर मम्मी, आई कांट वेट टू। उसके मुंह से ना लॉल सुनने के लिए तरस रहा हूँ, लॉट्स ऑफ लव वाला लॉल। ये ले लॉल, लॉट्स ऑफ लड्डू, मीठा खाएगा तो मीठा सुनेगा ने। ले सुन, उसे ज्यादा सताना नहीं है। कभी भी नहीं। अब जा जाके उसे मना, चिढ़ाया तो मनाना भी पड़ेगा ने। हाँ मम्मी मैं जाता हूँ। जा। अरे लड्डू तो कान्हा जी मेरे समर का पहला प्यार है, ध्यान रखते। हाँ नंदू, अरे नंदू सुनो तो, मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे साथ नहीं, पूजा फ्रॉम मुंबई के साथ मजाक करो ना। अरे सैमी नंदू, मैं तो तुम्हें मना लूंगा और तुम्हारे दिल की बात बुलवा भी लूंगा नंदू, क्योंकि इतने दिन मुंबई में रह के एक बात तो समझ आ गई कि जिंदगी में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, इसलिए जो भी करना है कर डालो। थैंक यू। सॉरी। इट्स ओके। okay.
मिजाज और कपड़े दोनों कलरफुल, सिंगल बट ऑलवेज रेडी टू मिंगल, नाइस। अनिरुद्ध, फाइनल पेपर्स है, तुम अच्छे से चेक कर लेना और फिर साइन कर लेना। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? थैंक्स अनिरुद्ध, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब से हमारा घर तुम्हारा है। आखिर चल क्या रहा है काव्या? What are you planning? हाँ बा, हमारा लाडू छटी। अरे गाटिया। बा, जितना सामान यहाँ से लेके जाती है उतना ही नानी के यहाँ से वापस लेके आती है। तो क्यों ना लाओ? हाँ, यहाँ बा हूँ, और बा तो बेटी हूँ, और बेटी तो अपनी माँ के पास जीत करेगी, हक जताएगी ना। कितने दिनों बाद मैं मेरी माँ को मिलूंगी? तो बा अभी तो जाते जाते खुशी खुशी जाओ। मम्मी, आई विल मिस यू। आप कब वापस आएगी? अब वनवास पे नहीं जा रहे, रात को वापस आ जाएंगे। आपको ड्राइवर कर लेना चाहिए था, इतनी लंबी ड्राइव है, बैक पेन के साथ आप कैसे करेंगे? आपकी प्रॉब्लम है, जैसे भी करेंगे कर लेंगे। अरे आधा रास्ता ये चलाएगा, आधे रास्ते मेरी बेटी चलाएगी। पीछे की सीट पे बहुत बैठ लिया बेटा, अब ड्राइविंग सीट पे बैठने की तेरी बारी है। अब अपने हिस्से का रास्ता भी तू दिखाएगी और उस रास्ते पे आगे भी तू ही ले जाएगी बेटा। मुझे भी अब पता है कि अनुपमा के हाथ में स्टीयरिंग दिया तो गाड़ी गलत रास्ते नहीं जाएगी। उस दिन जब हम लोग पाकी को ढूंढ रहे थे तो मैं स्ट्रेस में गाड़ी नहीं चला पा रहा था, तब भी अनुपमा ने गाड़ी चलाई। अब दोनों गाड़ी चलाना सीख गए हो तो जिंदगी की गाड़ी एक साथ क्यों नहीं चलाते? Finally, और चूंकि हम इतने टाइम से अलग अलग रह रहे हैं, हमें डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा। वैसे काव्या, मैंने सोचा नहीं था कि तुम ये घर मुझे दे दोगी। घर के बदले डिवोर्स मिल रहा है तो सौदा महंगा नहीं है ना? काव्या, मैं जानता हूं तुम्हें मेरा कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहूंगा, तुम ये आजादी चाहे वनराज के लिए या फिर खुद के लिए चाह रही हो, व्हाटएवर द केस, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी अपने लिए जीना कभी मत भूलना। जाते जाते भी ताना दोगे अनिरुद्ध, हम सारी जिंदगी तो लड़ते आए हैं, साथ रह रहे थे तब लड़ रहे थे, अलग रह रहे थे तब लड़ रहे थे, एटलीस्ट अलग होते वक्त तो स्माइल होते हुए अलग होते हैं ना। यू आर राइट, आई विल ऑलवेज वांट द बेस्ट फॉर यू काव्या। और एक और बात, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई जरूरत पड़े या फिर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम आए, आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। आई नो, थैंक्स अनिरुद्ध, लेट्स जस्ट बी हैप्पी नाउ। वी विल बी। God bless you. You too. यादों की बारात, तू क्यों उदास हो गया? जीजा जी, एक लगेज के बारे में सोचकर मैं उदास हो रहा हूं। यहां से सारे लगेज जाएंगे लेकिन एक लगेज वापस नहीं आएगा। कौन सा लगेज मामा जी? मैं।
यहाँ से हम लोग जाएंगे माँ के घर पे, तो वहां पे मुझे थोड़े दिन तो रुकना पड़ेगा ना। I love you. चल अब तू खड़ा क्यों है? जान ना, bye. अरे मामा बड़ी, मैं नहीं आप जा रहे। I know, मने remembers. दोसु, आया। जी। समय, सुनो, तुम दोनों मेरे पीछे किंजल को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। बार बार ऐसे नहीं बोलोगे कि किंजल चाय लेकर आ, किंजल नाश्ता लगा दे, किंजल जूस लेकर आ। खाना मैं बना के जा रही हूँ, तू खास कर। खाना बना के रखा है, अपने आप प्लेट में ले और गरम करके खा लेना। उसे जरा भी परेशान नहीं करना, समझ गया? और तू भी। मम्मी, आई प्रॉमिस, मैं किंजू भाभी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन तोशु भाई की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ। सुन, ऐसा पल बार बार नहीं मिलता कि घर के लोग सारे बाहर गए हो, तो झगड़ा मत करना, अच्छे से रहना, खुश रहना। नहीं, आप भी। और तू सुन, वो जब तू गया था ना, तब हम सब ने देखा था कि नंदिनी कितनी उदास थी, तो तू उसे सताना मत। चलो चलते हैं, वरना ट्रैफिक लग जाएगा। हाँ, चलो 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 चलो। कितने टाइम बाद हम दोनों साथ में ऑफिस जा रहे हैं ना? समर, हम दोनों ऑफिस जा रहे हैं। मैंने तुम्हारा खाना गरम करके किचन में रख दिया है, और हाँ, तुम्हारी कोल्ड कॉफी भी फ्रिज में रख दी है, तो याद से खा भी लेना और पी भी लेना। एंड इन केस इफ यू नीड एनीथिंग, कॉल मी। भाई, मम्मी तो सबके साथ बाहर गई हुई है ना? हाँ। तो यहाँ पर क्या कर रही है? वेरी फनी, यू आर द बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। लेकिन ये समय है अपने पति देव के साथ बाहर जाने का बालिके, तो आप अभी मम्मी मत बनी। आप बेबी मत बनो, मुझे मम्मी नहीं बनना पड़ेगा। अपना ध्यान रखो, हम जाते हैं। बाय बाय। यस, ओह माय गॉड, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। अरे जॉइंट फैमिली में रहने वाले लड़के को पूरा घर खाली मिल गया। समर शाह होम अलोन। लेकिन लोग खाली घर में करते क्या होंगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।